तो भाई कैसे हो सब लोग। मैं हूँ आशीष रावल एडी और आपको डांस सिखाने के लिए ऑलवेज रेडी। तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको स्लो मोशन सिखाने वाला हूँ। 2 मिनट में फालतू कुछ नहीं बोलना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये स्टेप होता है स्लो मोशन, इसको स्पीड कंट्रोल बोलते हैं। टीवी वालों ने इसको स्लो मोशन नाम दिया है, बाकी इसको स्पीड कंट्रोल बोला जाता है। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि यही चीज स्लो मोशन हो। आप अगर आपके दिमाग में, अगर मैं बोलूँ स्लो मोशन, तो आपके दिमाग में आएगा ये कि हाँ इसी को स्लो मोशन बोलते हैं। तो अब जो ये स्टेप है इसको मैं स्लो कर देता हूं, तो क्या ये स्लो मोशन नहीं है? क्या मैंने इसकी स्पीड को चेंज नहीं किया? मैं इसको नॉर्मली ऐसे करता हूं और अगर मैं इसको स्लो करता हूं तो क्या ये स्लो मोशन नहीं लग रहा? तो आप बॉडी का कोई भी मोमेंट जिसकी स्पीड थोड़ी चेंज करके स्लो कर देते हो तो वो भी स्लो मोशन ही हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं आपको वैसे ये सिखाने वाला हूं कि ये कैसे करना है, समझ रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि आप जब भी चलते हो ना, तो बेसिकली नॉर्मली जब भी कोई इंसान चलता है तो ऐसे चलता है। और आप गौर लगाओगे कि मेरा जो लेग मैं यूज कर रहा हूं, जैसे मैं राइट लेग यूज कर रहा हूं, तो उसके साथ मेरा लेफ्ट हैंड आगे आ रहा है। मतलब जो पैर उठा रहा हूं ना, उसका ऑपोजिट वाला हैंड आगे आ रहा है, समझ रहे हो? लाइक दिस। अब कोई ऐसा तो इंसान है नहीं जो एक ही साइड वाला पैर और एक ही साइड वाला हाथ यूज करे ऐसे चलने वाला, ऐसा तो शायद मेरे ख्याल से कोई दुनिया में होगा नहीं। तो एक जिस साइड वाला पैर यूज कर रहे ना, उसके दूसरी साइड वाला, ऑपोजिट साइड वाला अपन को हाथ यूज करना है या आगे लेके आना है या चलाना है, समझ रहे हो? अब मैं साइड से बताऊंगा आपको ये स्टेप ताकि समझ आ जाए। तो ये है मेरी नॉर्मल चाल। अब मैं इसी नॉर्मल चाल को थोड़ा सा इसकी स्पीड को चेंज कर दूंगा या थोड़ा सा इसको स्लो कर दूंगा, क्योंकि अपने स्टेप का नाम क्या है, स्लो मोशन या स्पीड कंट्रोल। तो अब जब मैं इसको चेंज करता हूं तो देखो कैसी लगती है। ये मेरी नॉर्मल और ये चेंज, चेंज लगा? कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर दिया। अब आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, और वो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्लो मोशन करते हो तो आपकी आपकी बॉडी का जो भी मोमेंट है, आपकी बॉडी का जो भी पार्ट यूज कर रहे हो, आप जो भी पार्ट चला रहे हो, वो भी स्लो हो जाएगा। अगर मैं अपना नेक यूज करता हूं ना, तो वो भी स्लो चलेगा, उसी स्पीड के साथ चलेगा। देखो कैसे, जैसे मैं ये स्लो मो में कर रहा हूं, तो मेरा अगर नेक भी मैं यूज करता हूं ना, तो उसको भी मैं स्लोली स्लोली मूव करूंगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं तेज तेज मूव करूंगा, नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। तो बॉडी का हर एक पार्ट स्लो चलेगा, लाइक। तो भाई ये ही है स्लो मोशन, और इतना इजी है कि आपको वीडियो देख के ही समझ आ गया होगा। उठ के एक बार ट्राई कर लो, हो जाएगा मेरे ख्याल से, अगर अच्छे से समझ आ गई टेक्निक तो। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताओ, और आपको क्या सीखना है, कैसे स्टेप सीखने हैं वो भी कमेंट्स में बताओ। और इधर साइड में एक स्क्रीन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके और भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अपना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा या समझ में आया तो। बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं आप पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।